Hello guys, I am Pawan from Career Launcher Amritsar. Once again, I teach you the topic Time and Work Part 2. Okay? In last class, we discussed Part 1, Time and Work. Clear? In Part 1, we discussed the basic concept of time and work and cover four most important concepts like working all together, working on alternate day, working alone, or a very very important the last topic, efficiency based question. Okay, got it. So if anyone have any doubts in my last video, okay, feel free to ask me any problem, okay, via through WhatsApp group. Okay, ab jo aaj ka video topic hai wo mera time and work part 2 hai, jisme maine kya cover karwana aapko topic pipe and cistern bete. Clear? Basically mostly bachcho ko doubt hota hai ki cistern kya hai sir. Theek hai, पाइप तो अंडरस्टूड है, पाइप क्या है. सिस्टर्न को बेटे आप बोल सकते हो, बकेट भी बोल सकते हो, और सेम एज दैट बेटे क्या बोल सकते हो, टैंक भी बेटे बोल सकते हो. ठीक है, जिसमें बेटे हम कुछ भी लिक्विड कोई स्टोर करते हैं. क्लियर? अब देखो पाइप की जगह कई बार बेटे वो क्या वर्ड यूज करते हैं, टैप भी बेटे यूज करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो स्टार्ट द टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न. स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. मैं एक एडवाइस करूंगा उन बच्चों को जिन बच्चों ने बेटे मेरा पार्ट वन नहीं लगाया. ठीक है, सो मेरी बेटे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इसको देखने से पहले बेटे पार्ट टू को देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप पार्ट वन कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो मैं स्टार्ट करता हूं कि पाइप एंड सिस्टर्न में क्या कंसेप्ट होता है. बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बेटे जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क वन में बताया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन बेटे कैसे बनते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि इसमें आपको दो चीजें मैं और बता दूं. पहले स्टार्टिंग में इसमें बेटे बात करेगा फिलर पाइप की भी, जहां बेटे टैप बोलेगा. इसकी बेटे जो एफिशिएंसी होगी फिलर वाले डाटा की, आपको बेटे ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है. एफिशिएंसी की बेटे बात कर रहा हूं क्योंकि जो फिलर वाला काम है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. ठीक है, और कई बार क्या होता है बेटे, कोई पाइप होती है जो टैंक फिलर टैंक जो फिल है उसको खाली करती है. बेटे काम तो वो भी कर रही है. अगर एक टैब बेटे फिल करिए, दूसरा टैब बेटे ओपन खाली करिए. बेस्ट एग्जांपल लेते हैं बेटे वाटर कूलर. सभी के घर में बेटे वाटर टैंक वाटर कूलर होते हैं. ठीक है, तो उसमें बेटे जिस टैब से बेटे पानी निकलता नोजल से, उसको बेटे हम कंसीडर कर सकते हैं. कौन सी पाइप होगी भाई, वो एम्प्टी पाइप होगी. ठीक है, अब देखो जो एम्प्टी वाली पाइप है उसके वर्क को बेटे, उसकी एफिशिएंसी को ऑलवेज बेटे क्या लिखना भी, नेगेटिव में बेटे लिखना है. और एम्प्टी पाइप की जगह बेटे कई बार वो वर्ड यूज कर देता है लीकेज वगैरह के बारे में, बेटे बोल देता है. तो लीकेज भी बेटे क्या काम करेगी, नेगेटिव बेटे काम करेगी. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. ये बताना बेटे बड़ा जरूरी था कि फिलर पाइप और टैप को बेटे पॉजिटिव एफिशिएंसी लेनी है और एम्प्टी पाइप की एफिशिएंसी को बेटे क्या करना है, नेगेटिव बेटे लेना. अब देखो शुरू करता हूं बेटे मैं इसी क्वेश्चन से. लेट्स सपोज कि एक पाइप थी, पाइप वन फिलर पाइप थी बेटे, ये किसी टैंक को फिल करने में 10 मिनट ले रही थी. ठीक है, अनदर पाइप टू ये भी बेटे फिलर पाइप ही थी, तो ये सेम टैंक को फिल करने में 15 मिनट बेटे ले रही थी. अभी बेटे मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. ओके, अब देखो दोनों पाइप बेटे फिलर है. ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का. ठीक है, अब देखो ये कोई पाइप है, ये किसी पर्टिकुलर टैंक को 10 मिनट में फिल करती है. अनदर पाइप टू सेम टैंक को फिल करने में बेटे कितने मिनट ले रही है, 15 मिनट ले रही है. अब देखो दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं. तो लास्ट टॉपिक बेटे, लास्ट क्लास में मैंने बता रखा था जब काम सेम हो तो आप काम फाइंड करने के लिए बेटे क्या लोगे भाई इन दोनों का, एलसीएम बेटे लोगे. जब मैं एलसीएम लूंगा 10-15 का तो मुझे पता लग जाएगा भी काम था कितना. तो बेटे कितना आ गया मेरे पास, 30. तो इसको बेटे मैं किस में कंसिडर कर लूंगा, ये 30 मिनट मेरा टोटल काम था बेटे, उस टैंक की कैपेसिटी थी. अब देखो 30 यूनिट टोटल काम है, इस वाली पाइप ने 10 मिनट में बेटे कवर किया. ठीक है, तो अगर 30 यूनिट काम इस वाली पाइप 10 मिनट में करे तो इसका पर डे पर मिनट का टाइम बेटे कितना हो गया, 3. इसी तरह बेटे ये वाली पाइप 30 यूनिट काम 15 मिनट में करी है तो बेटे पर मिनट का काम कितना हो गया, 2. तो मैंने कल भी बताया था कि जो भी ड्यूरेशन होती है, चाहे वो मिनट में है, चाहे वो आवर्स में है, चाहे वो डेज में है, ठीक है, वो आपने हमेशा राइट साइड पे लिखनी है. जो भी टाइम बेटे दे रखा वो आपने राइट साइड पे,
और जो भी बेटे इनकी एफिशिएंसी होगी वो आपने इनकी लेफ्ट साइड पे बेटे मेंशन करनी है. गॉट इट? अब देखो पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है कि भाई अब दो पाइप थी, पाइप वन और पाइप टू. पाइप वन 10 मिनट में फिल करती है, पाइप टू सेम टैंक को 15 मिनट में फिल करती है. भाई काम सेम था तो मैंने काम ढूंढ लिया 30, तो मुझे पर डे की एफिशिएंसी पता लगी 3 और 2 की बेटे पर मिनट की. अब अगर आपको बोले वही कि अगर भाई दोनों मिलकर काम शुरू करें, दोनों मिलकर काम शुरू करें, तो भाई एक सेम टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे, जिसको बेटे मैं बोलूंगा वर्किंग ऑल टुगेदर. जहां बेटे आपको ये बोल सकता है कि भाई पहले मिनट सिर्फ मैं पाइप वन को ओपन करूंगा और वेरी नेक्स्ट मिनट बेटे पाइप टू एंड सो ऑन सो ऑन मैं ऐसे करूंगा. उसको बेटे बताओ कि कितने मिनट में टैंक फिल होगा, उस केस को बेटे अलोन बोले सॉरी ऑल्टरनेट डे बोलेंगे. अब बेटे वो आपको बोलेगा कि स्टार्टिंग में तो दोनों मैंने इकट्ठे ओपन कर दी, बट आफ्टर 2 मिनट या आफ्टर 3 मिनट मैंने इन दोनों में से कोई भी बोल दू कि मैंने क्लोज कर दी. लेट्स सपोज मैंने पाइप टू को क्लोज कर दिया, तो बताओ भाई अब पाइप वन को कितना टाइम और लगेगा उस बचे हुए काम को फिल करने के लिए बेटे. ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी का ऑल टुगेदर का वो कैसे होगा. जैसे देखो पाइप वन एंड पाइप टू 1 मिनट में कितना बेटे मिलकर वर्क करेंगे भाई, 3 + 2 हाउ मच, 3 + 2 = 5. मुझे पता लग गया बेटे कि 1 मिनट में ये लोग मिलकर 5 यूनिट बेटे काम करते हैं. 1 मिनट में 5 यूनिट काम करते हैं. हमें पता है कि बेटे 30 यूनिट करवाना है, तो सभी को पता है कि 5 के टेबल पे 30 कब आता है, 6 पे बेटे. ठीक है, तो बोथ साइड बेटे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि 6 मिनट में कितना काम बेटे कंप्लीट हो गया, बेटे 30 यूनिट काम हो गया. तो मेरा आंसर बेटे क्या हो, मुझे तो यही फाइंड करना था ना कि 30 यूनिट काम कितने मिनट में होगा. तो हमें पता लग गया गाइस कि 30 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने मिनट बेटे लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे. ठीक है, मुझे नहीं लगता बेटे कि ये कुछ डिफरेंट है जो मैंने कल आपको पढ़ाया. ठीक है, बिल्कुल सेम था. तो मैं अब आगे शुरू करता हूँ कि लीकेज वाला कंसेप्ट लेके आता हूँ, एम्प्टी वाला कंसेप्ट लेके आता हूँ. आप वीडियो को पॉज करके इसको बच्चे नोट कर लेना. क्लियर? अब वीडियो पॉज करके बेटे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना बेटे. ठीक है, मैं नेक्स्ट मूव करता हूं. अब देखो भाई, लेट्स सपोज एक बेटे पाइप थ्री भी आ गई. पाइप थ्री है बेटे एम्प्टी पाइप है. ठीक है, जो भरे हुए टैंक को खाली बेटे करती है. पाइप वन बेटे फिलर है, पाइप टू भी बेटे फिल करने वाली थी, बट पाइप थ्री एम्प्टी करने वाली थी. और ये एक टैंक को एम्प्टी करने में 20 मिनट बेटे लेती थी. क्लियर? एक पाइप थ्री थी जो टैंक को एम्प्टी करने में 20 मिनट लेती थी. अब देखो भाई काम तो सेम है. अब ये नहीं समझना कि सर ये खाली करती तो इसका काम कुछ अलग होगा. बेटे देखो, जिस टैंक को फिल करने में इन दोनों ने 10 और इसने 15 और बट उसी टैंक को खाली करने में इसने बेटे क्या 20 मिनट. काम तो तीनों का सेम है. अगर काम सेम है तो बेटे मैं एलसीएम लेके इनका काम फाइंड कर सकता हूं. 10, 15 और 20 का बेटे एलसीएम क्या होगा, 60. मुझे पता लग गया कि अब 60 यूनिट काम था कोई. क्लियर? अब 60 यूनिट काम पाइप वन 10 मिनट में बेटे फिल करती है, तो मुझे पता कि इसका पर मिनट का काम कितना हो गया, 6. पाइप टू बेटे इसी काम को करने में 15 मिनट ले रही थी, तो इसका काम बेटे क्या हो गया, 4. क्लियर? अब पाइप थ्री बेटे, ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब भी फिलर और एम्प्टी इकट्ठे क्वेश्चन में आए होंगे तो बेटे आपको इस तरह डाटा को अरेंज करना पड़ेगा. जो फिलर वाली एफिशिएंसी होगी उसको बेटे पॉजिटिव ट्रीट करोगे, जो एम्प्टी वाली एफिशिएंसी होगी बेटे उसको क्या करोगे, नेगेटिव ट्रीट करोगे. अगर लेट्स सपोज कि उसने दे ही रखा हुआ है कि फिलर पाइप ही दो है, जो अभी मैंने पहले बेटे बताया आपको, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो चाहे पॉजिटिव ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इसी तरह बेटे उसने ये बोला हो कि एक पाइप है वो 10 मिनट में किसी टैंक को एम्प्टी करती है, अनदर पाइप है वो 15 मिनट में उस टैंक को एम्प्टी करती है, तो बताओ भी दोनों अगर मिलकर में काम करें तो उस टैंक को खाली कब करेंगी वो बताओ. तो उसमें भी ये नहीं कि मैंने नेगेटिव नेगेटिव लेके चल पड़ना है. ठीक है, तो उसमें भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, आप नेगेटिव बेटे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट जब बेटे सेम क्वेश्चन में कुछ पाइप्स हैं जो फिलर का काम कर रही हैं,
बट कुछ पाइप है जो क्या कर रही है लीकेज का या एमटी का काम कर रही है, उसमें बेटे आपको फिलर का बेटे डाटा पॉजिटिव और एमटी का डाटा बेटे क्या लेना है नेगेटिव बेटे लेना। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटे ये तो प्लस सिक्स, ये प्लस फोर, बट ये बेटे अब क्या होगा 60 डिवाइड बाई 20 बेटे क्या होगा माइनस टू। गॉट इट? अब देखो सॉरी माइनस टू की जगह बेटे मैंने क्या लिखा यहाँ पे माइनस थ्री बेटे। क्लियर? अब देखो वही क्वेश्चन कि भाई अगर मैं तीनों पाइप्स को खोल दूं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक फिगर बना के भी आपको बताता हूं। लेट्स सपोज ये बेटे पाइप थ्री है जो टैंक को खाली करेगी, और ये हम बेटे सपोज कर लेते हैं ये पाइप वन है और ये बेटे पाइप टू है बेटे। अब देखो भाई इसमें से वाटर या लिक्विड बेटे टैंक के अंदर जा रहा है, ठीक है, और इसमें से बेटे क्या निकलना भी बाहर निकले जा रहा है। वो कहता है कि अगर मैं तीनों टैप्स को बेटे स्टार्ट कर दूं तो बताओ भाई इस खाली टैंक को फिल करने में कितना टाइम बेटे लगेगा। क्लियर? मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी बता दिया कि ये पाइप थ्री ये पानी बेटे बाहर भी निकाल रही है, ठीक है, और इन दोनों पाइप से बेटे पानी क्या आ रहा है अंदर आ रहा है, बट फिर भी अगर चाहे ये निकाल भी रही है फिर भी इन दोनों पाइप ने मिलकर बेटे इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे हमने ये फाइंड करना था। तो कोई इशू नहीं है, मुझे पता है, मैं यहां पे बेटे लिख देता हूं पाइप वन प्लस पाइप टू प्लस पाइप थ्री मिलकर एक मिनट में कितना बेटे वर्क करेंगी। देखो भाई अब गलती मत करना बेटे, ध्यान रखना पाइप वन पाइप टू बेटे फिलर है तो सिक्स प्लस फोर, बट पाइप थ्री बेटे नेगेटिव काम कर रही है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा माइनस थ्री। तो ओवरऑल बेटे पता लग गया सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस थ्री इक्वल्स टू हाउ मच प्लस सेवन बेटे मेरे पास रिजल्ट आया। तो हमें पता लग गया कि अगर तीनों बेटे मिलकर काम करते हैं, ये तो बेटे नेगेटिव काम कर रहा था, वैसे पाइप वन और पाइप टू बेटे मिलकर कितना कर सकती थी 10 यूनिट पर मिनट में कर सकती थी, बट इसके एम्प्टी होने की वजह से सिर्फ कितना काम हुआ प्लस सेवन हुआ। मुझे पता लग गया कि अगर वन मिनट में तीनों मिलकर सेवन यूनिट काम कर पा रही है, करवाना कितना काम बेटे, काम तो भाई 60 है, ठीक है, तो 60 काम करने के लिए बेटे वो ही आ गया कि मैंने अब टाइम ढूंढना है, तो टोटल काम है 60 पर मिनट का काम है 7, तो मेरे पास बेटे कितना टाइम आ गया टोटल जो कल मैंने आपको बेटे फोन लगाया था वही मैंने करा। अब देखो आपके एग्जामिनेशन में ये भी लिखा हो सकता है कि 60 बाय 7 मिनट, ऐसे भी बेटे लिखा हो सकता सिंपल बेटे। कई बार वो क्या करता है, कई बार वो आपको फ्रैक्शन ना देके, देखो इसको तो फ्रैक्शन बोलते हैं, कई बार फ्रैक्शन ना देके आपको बेटे क्या बोल देता है आपको बेटे, कई बार वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में ऑप्शन देके गया होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी कि मेरा 60 बाय 7 नहीं आया तो मैं नन ऑफ दिस ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। तो एक बार आपने 60 बाय 7 जो आपका आ रहा है इसको बेटे आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। होप सो सभी को पता होगा, नहीं पता तो एक बार मैं बता भी देता हूं इसको बेटे कैसे करना, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। सभी को पता है कि 7 के टेबल पे 60 नहीं आता, गॉट इट, बट 60 नहीं आता, 60 से कोई छोटा नंबर देखो जो 7 के टेबल पे आता है, कौन सा नंबर बेटे 56, ठीक है। 56 कब आता है 7 के टेबल पे, 8 पे बेटे आता है, तो जिस पे आता बेटे उसको मैं रखता हूं सेंटर पे, नीचे 7 बेटे मैं ऐसे रखूंगा जो था 7 8 का 56, 56 में बेटे कितने ऐड करोगे 60 बनेगा, ऑब्वियसली बेटे 4 ऐड करोगे तो मैं 4 बेटे क्या रखूंगा ऊपर रखूंगा। तो कई बार बेटे ये ना आपको एग्जाम में देखे जल्दबाजी नहीं करने की मैं नन ऑफ दिस ऑप्शन मार्क कर दूं, क्योंकि मुझे तो मेरा तो ये आ रहा था ऑप्शन में तो मुझे कुछ दे नहीं रखा था। तो एक बार बेटे इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करके देख लेना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके देख लेना, तो ये भी आंसर हो सकता है और बेटे ये भी आंसर आपको हो सकता है। होप बेटे आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि मैंने आपको बेटे क्या समझाया। क्लियर बेटे? ओके गाइस, तो अब हम सीधा आते हैं अपनी वर्कशीट पे आते हैं जो टाइम एंड वर्क पार्ट टू की वर्कशीट है। अब देखो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो चीजें बेटे बताता हूं, ठीक है। एक भाई ध्यान आपने रखना है एम्प्टी पाइप और बेटे लीकेज वाली पाइप, देखो बेटे कॉमन सेंस है कि लीकेज वाली जो पाइप है वो हमारी विश से बेटे ओपन नहीं होगी, ठीक है, हमारी मर्जी से बेटे वो लीकेज स्टार्ट नहीं होगी,
बट अगर हमें पता लग जाता है कि आफ्टर 5 या 10 मिनट्स की लीकेज हो रही थी, हम उसको रोक सकते हैं बेटे, गॉट इट। बट एम्प्टी पाइप का बेटे क्या है कि जब तक वो मुझे बोलेगा नहीं कि एम्प्टी पाइप अब स्टार्ट हो गई हुई है, तब तक बेटे मैं एम्प्टी पाइप को साथ में वर्क नहीं बेटे करने दूंगा। क्लियर? दोबारा बेटे मैं बोलता हूं, लीकेज जो बेटे होती है वो जब भी बेटे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब भी बेटे आप कोई डाटा फिल हो रहा है, लीकेज ने अपना काम करते जाना है। बट अगर मुझे पता लग गया आफ्टर 5-10 मिनट्स कि भैया लीकेज हो रही थी, तो मैं उसको रोक लूंगा। बट बेटे स्टार्ट वो मेरी मर्जी से नहीं होगी, स्टार्ट बेटे जैसे वो फिलर का काम होता है उसके साथ ही वो अपना काम करती जाएगी। बट एम्प्टी पाइप में बेटे क्या है कि जब तक मेरी विश नहीं होगी बेटे, तब तक मैं उसको ओपन नहीं करूंगा। क्लियर? तो ध्यान देना, लीकेज बेटे हमारी मर्जी से स्टार्ट नहीं होती, अपने आप बेटे स्टार्ट होती है, बट हम अपनी मर्जी से उसको रोक सकते हैं जब हमें पता चलता है। तो एम्प्टी पाइप बेटे हम अपनी विश से बेटे ओपन करते हैं, अपनी विश से बेटे उसको क्लोज करते हैं। तो अब बेटे स्टार्ट करते हैं, रीड करो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी वर्कशीट में, टाइम एंड वर्क 2 की। तो क्वेश्चन बेटे मैं रीड करता हूं, आप भी बेटे अपना रीड करो। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक टैंक है उसमें 2 इनलेट पाइप है जिसको हम बेटे फिलर पाइप कहते हैं, ठीक है। कहता दैट विल फिल द टैंक इन 20 and 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो देखो भाई मैं लिखता जाता हूं यहां पे, पाइप 1 मुझे पता है कि फिलर पाइप है 20 मिनट में, पाइप 2 बेटे फिलर पाइप है वो 25 मिनट में। आगे पढ़ते हैं, कहता वेयर एज देयर इज एन आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप मतलब कि बेटे एम्प्टी वाली पाइप। आउटलेट पाइप दैट विल एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। कहता एक पाइप 3 बेटे है जो टैंक को 40 मिनट में खाली बेटे कर देती है, एम्प्टी कर देती है, ठीक है। बट अब आगे कंडीशन पढ़ो बेटे क्या है। कहता बोथ द इनलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। दोनों पाइप्स को बेटे आपने इनलेट पाइप को इकट्ठे ओपन कर दिया। आगे पढ़ते हैं, एंड 5 मिनट लेटर, ध्यान देना बेटे जो अभी मैंने आपको ये चीज बताई है कि 5 मिनट बाद उसने बेटे आउटलेट पाइप को भी क्या करा, ओपन कर दिया। देखो सोचने वाली बात है, फर्स्ट 5 मिनट स्टार्टिंग वाले जो 5 मिनट थे, उस 5 मिनट में सिर्फ किन दोनों ने बेटे काम किया, पाइप 1 और पाइप 2 ने काम करा। बट 5 मिनट के बाद बेटे उसने तीनों को बेटे, कहने का मतलब इस एम्प्टी करने वाले को भी क्या करा, ओपन बेटे कर दिया। क्लियर? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता हाउ लॉन्ग विल इट टुक टू कंप्लीट फिल द टैंक। वही बात बेटे जो अभी मैंने बताई थी कि अब बताओ भी टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। देखो भी काम तीनों का सेम है, काम सेम है तो बेटे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ बेटे सोचकर, 20, 25 और 40 का बेटे एलसीएम क्या होगा, 200 बेटे, ठीक है। होप सो सभी को पता लग गया होगा कि 20, 25 और 200 का बेटे एलसीएम क्या होता है, 200। तो मुझे पता लग गया कि मेरा इतना काम है भाई टोटल 200। अब देखो भाई 200 टोटल काम है, तो इसके 20 मिनट में हुआ था, तो इसका बेटे काम क्या होगा, +10, क्योंकि अब नेगेटिव पॉजिटिव है बेटे, तो मैं लिखूंगा, ठीक है। 200 by 25 तो बेटे क्या हो गया भाई, ये +8, गॉट इट। अब देखो 200 divided by 40 तो बेटे क्या होगा, -5 बेटे होगा। क्लियर बेटे? माइनस का पता लग गया। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी वाला डाटा होगा या लीकेज वाला डाटा होगा, उसकी एफिशिएंसी को बेटे किस में लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे, जब बेटे फिलर और एम्प्टी दोनों इकट्ठे ही एक केस में काम करते होंगे। अब देखो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 5 मिनट बेटे सिर्फ पाइप 1 एंड पाइप 2 ने, हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना वर्क करते हैं पाइप 1 और पाइप 2। 1 मिनट में हमें पता है कि 10 + 8 इक्वल्स टू बेटे कितने यूनिट काम हो गया बेटे, 18 यूनिट भाई, ये 1 मिनट में काम करते हैं। बट फर्स्ट 5 मिनट सिर्फ किन लोगों ने काम करा, सिर्फ इन लोगों ने काम करा था। तो मैं देख लेता हूं कि इनका 5 मिनट में कितना बेटे वर्क हो गया होगा। 5 मिनट में 18 × 5 इक्वल्स टू बेटे हाउ मच, 19 यूनिट बेटे काम हो चुका हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं रिमेनिंग वर्क बेटे कितना बचा होगा। रिमेनिंग वर्क जो बचा था वो देखते हैं बेटे, 200 में से 90 माइनस कर देते हैं तो कितना लेफ्ट भाई, 110 यूनिट बेटे। अब ये काम था, अब क्या हुआ कि 5 मिनट के बाद बेटे इसको भी ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि तीनों पाइप, पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3 का 1 मिनट का वर्क देखते हैं बेटे कितना होगा।
1 minute का बेटे work होगा 10 plus 8 और minus बेटे 5, तो how much? Plus 13 बेटे, got it? तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक मिनट में सिर्फ बेटे कितना काम हो पाता है? Plus 13 काम हो पाता है. करवाना बेटे कितना था? 110. तो simply बेटे find कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ कि work जो total है वो तो है 110, ठीक है. अब हमें पता है एक मिनट में अगर 13 है तो टोटल बेटे कितना टाइम लगेगा, इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है. तो ऐसे देखो आपकी ऑप्शन है कोई इसमें, देखो बेटे ऑप्शन सी जो है वो हमें दी गई हुई है, ठीक है. बट एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक है. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टुक टू कंप्लीटली फिल द टैंक. गलती होनी थी बेटे अभी यहां पे, ठीक है. हमने जल्दबाजी में सिर्फ क्या आंसर मार्क कर देना था बेटे, 100/13 बेटे, ठीक है. बट उसने ये नहीं पूछा कि रिमेनिंग काम करने को कितना टाइम लगा, उसने ये पूछा बेटे कंप्लीटली फिल होने को कितना टाइम लगा. तो कंप्लीटली फिल होने को बेटे देखो ये तो भाई था कि जब तीनों ने मिलकर काम करा तो उनको इतना टाइम और लगा, बट स्टार्टिंग में पाइप वन और पाइप टू को बेटे कितने मिनट अकेले काम करना पड़ा था, 5 मिनट वो भी काम करना पड़ा था. तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा, मेरा टोटल टाइम बेटे जो आने वाला वो क्या होगा, इन चीजों को बेटे ध्यान रखना, 110/13 तो प्लस बेटे क्या 5, एलसीएम लोगे बेटे 13 5 65, 110 + 65 / 13 तो हाउ मच बेटे, कितना आंसर बन जाएगा भाई आपका, 110 प्लस ये बेटे क्या होगा 175/13. तो देखो ऐसी ऑप्शन है कोई आपको दे रखी हुई, डी ऑप्शन देखो बेटे आपका राइट आंसर है, ठीक है. जल्दबाजी बेटे कभी नहीं करनी कि एग्जाम में मेरा आंसर आ गया मैं लिख के आगे मूव करूं, क्वेश्चंस को बेटे पहले प्रॉपर रीड करके बेटे तभी आंसर करना है. कई बार बेटे ऐसे सिली मिस्टेक से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. क्लियर बेटे, मैं बेटे आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, मैं आप बेटे आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है. मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना बेटे, ठीक है. क्लियर बेटे, ठीक है, ओके. आप बेटे इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं अगले क्वेश्चन में बेटे मूव करता हूं. देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन बेटे क्या था वर्कशीट का, पढ़ो बेटे सारे. सेकंड क्वेश्चन क्या था, ट्राई करा करो कि भाई सबसे पहले आप खुद सोल्व करा करो बेटे, ठीक है. फिर बेटे सॉल्यूशन देखा करो कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कि भाई क्या था मेरे साथ गलती क्या हुई, ठीक है. अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता 3 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 30, 40 and 60. तीनों भाई फिलर पाइप है. कहता ऑल टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, बट आगे बेटे क्या बोल गया, कहता 6 मिनट लेटर टैप वन इज क्लोज. 6 मिनट बाद बेटे टैप वन क्लोज कर दी गई. कहता फर्दर फ्यू मिनट्स कुछ क्लियर नहीं है, टैप टू को भी क्लोज कर दिया गया, क्लियर. एंड कहता टैप थ्री टेक्स 10 मिनट्स मोर टू फिल द रिमेनिंग टैंक. कहता लास्ट में 10 मिनट और लगे किसको, टैप थ्री को, बचा हुआ काम खत्म करने के लिए. तो उसका क्वेश्चन क्या है, कहता फॉर हाउ मेनी मिनट्स टैप टू रिमेन्स ओपन. तो टैप टू कितने मिनट बेटे ओपन रही, उसका क्वेश्चन आपसे ये है. अब देखो भाई स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले काम तो बेटे फाइंड करें. तो सेकंड में क्या बोल रहा था, सेकंड में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इनका टाइम पाइप वन बेटे 30 है, पाइप टू बच्चे 40 है, देन पाइप थ्री बेटे 60 है. तो जल्दी से बेटे बता दो एलसीएम क्या है, एलसीएम में क्या होने वाला है, 30, 40, 60 का 240 बेटे, 240 भी आप बोल सकते हो, जहां बेटे आप 120 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्लियर. 120 भी ले सकते हो, 240 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है. अब देखो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30, 40, 60 का भाई क्या हो गया, 120. तो मुझे पता लग गया भाई 120 मेरा क्या भाई टोटल वर्क है इन यूनिट्स में, क्लियर, ओके. अब 120 बेटे टोटल वर्क है, इसको 30 मिनट लगे थे, तो इसका पर मिनट का बेटे काम क्या होगा, 4. प्लस लगाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है फिलर है,
तो 120 डिवाइड बाय 40 तो बेटे क्या हो गया 3, 120 डिवाइड बाय 60 तो बेटे क्या हो गया 2, गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई तीनों को इकट्ठे ओपन कर दिया गया। देखो भाई पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 का सिंपल 1 मिनट का वर्क बेटे फाइंड करते हैं। तो 1 मिनट का बेटे वर्क कितना हो गया 6 4 कितना बेटे आ गया भाई 9 यूनिट आ गया भाई। क्लियर बेटे, हमें पता लग गया कि एक मिनट में ये 9 काम कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई कितने मिनट बाद जाके टैप 1 को क्लोज करा गया, टैप 1 को आफ्टर 6 मिनट के बाद बेटे क्लोज करा गया। तो इसका मीनिंग कि तीनों ने मिलकर 6 मिनट तो काम करा ही होगा। अगर एक मिनट में ये 9 काम करते थे तो 6 मिनट में तो बेटे कितना काम हो गया होगा 9 × 6 54 बेटे, गॉट इट। अब देखो 6 मिनट में 54 काम हो गया हुआ था, रिमेनिंग वर्क बेटे देखो कितना बचा, रिमेनिंग वर्क अगर बेटे देखें 120 माइनस 54 इक्वल्स टू बेटे कितने यूनिट भाई 66 यूनिट बेटे, अभी भी काम बचा हुआ था। अब देखो भाई टैप 1 क्लोज हो गई हुई है, ठीक है, अब किस किस ने काम करना था, टैप 2 और टैप 3 ने काम करना था। बट बेटे सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है अब देखो मैं दो तरीके आपको बताता हूं। मुझे पता है कि पाइप 2 प्लस पाइप 3 ने कुछ मिनट बेटे काम करा होगा, ठीक है, आइडिया नहीं है बेटे, हम क्या मान लेते कुछ एक्स मिनट बेटे काम करा होगा, ठीक है, बट काम खत्म नहीं हुआ था, ध्यान रखना बेटे काम खत्म नहीं हुआ था। पाइप 2 और पाइप 3 ने कुछ एक्स मिनट काम किया, बट एक्स मिनट के बाद पाइप 2 भी क्या हुआ बेटे काम छोड़ के चलेगी, उसको क्लोज कर दिया गया। अकेला बेटे पाइप 3 ने लास्ट में कितने मिनट बेटे काम करा लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, 10 मिनट और लगे बेटे उसको। तो पाइप 3 ने 10 मिनट और काम करा और ये सारा का सारा काम किसके इक्वल था, जो बेटे बचा हुआ काम था 66। क्लियर है, ये देखो सारा का सारा काम वही था जो बचा हुआ था, तो मैं यहां पे 66 लिख सकता हूं। ओके, अब देखो आपको पाइप 2 का भी एफिशिएंसी पता है 3 और पाइप 3 की बेटे पता है 2, तो मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पाइप 3 की एफिशिएंसी बेटे 2 इंटू 10 इक्वल्स टू बेटे क्या 66। अब देखो 3 प्लस 2 बेटे 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 10 20 इक्वल्स टू बच्चे 66, 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 66 माइनस बेटे 20 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे 46। तो x को बच्चे यहां पे रखते हैं 46 बाय 5 आपने कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर वही गलती, उसने क्या पूछा होगा, कहता फॉर हाउ मेनी मिनट्स टैप 2 रिमेंस ओपन बेटे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टाइम आया ना, ये वाला टाइम है कि जो उसने पाइप 3 के साथ काम करा, पाइप 1 के साथ वाला टाइम नहीं आया, ठीक है। ये वाला जो टाइम आया पाइप 2 का, ये वो वाला टाइम है कि जो उसने बोला था कि साफ साफ लिखा है फर्दर फ्यू मिनट्स लेटर, ठीक है, जो बेटे जब ए छोड़ के चला गया था, पाइप 1 छोड़ के चले गई थी, उसके बाद जो पाइप 2 ने 3 के साथ जितने मिनट काम किया ये काम बेटे वो वाला काम है। बट उसने बेटे आपसे कौन सा पूछा होगा, उसने पूछा कि कितने मिनट तक टोटल ये ओपन नहीं है। देखो भाई इतने मिनट तो बेटे इसने पाइप 3 के साथ काम करा, बट बेटे तीनों ने मिलकर भी तो स्टार्टिंग में कितने मिनट काम करा था 6 मिनट, वो भी तो काम करा ही है ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो टोटल टाइम जो पाइप बी ओपन बेटे रही है तो बेटे वो क्या होगा 46 बाय 5 प्लस बेटे क्या 6। अब देखो बेटे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके बेटे क्या आ गया, ये एलसीएम लेके 5 6 30 46 प्लस 30 डिवाइड बाय बच्चे क्या 5, तो बेटे क्या हो गया ये, तो मेरा बेटे क्या आंसर होगा 76 बाय 5। तो उसमें देख लो बेटे कि आपको ऐसी ऑप्शन दे रखी है कि नहीं दे रखी, आपको बेटे फ्रैक्शन ही दे रखी हुई, आपको बेटे उसने चारों ऑप्शन में क्या दे रखी हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटे दे रखी हुई है। तो बेटे आपको मैंने अभी बताया था कि फ्रैक्शन से बेटे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे ढूंढते हैं,
स्पेस कम है बेटे तो मैं लिखूंगा, देखो 76/5 है, 5 के टेबल पे 76 तो आता नहीं है ठीक है, बट 5 के टेबल पे 75 तो आता है ना, कब आता है बेटे 15 पे बेटे आता है ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटे आंसर अपना, आप देख लेना बेटे, 5 के टेबल पे 15 पे 75 आता है, तो 5 × 15 75 में कितने ऐड करो 76 बनेंगे ऑब्वियसली बेटे क्या 1। तो मेरा आंसर बेटे ये ना हो के फ्रैक्शन में नहीं देखे, उसने किस में पूछा हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेटे पूछा हुआ था, तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा 15 1/5 मिनट बेटे मेरा आंसर होगा बेटे। गॉट इट बेटे, क्लियर? ओके ओके गाइस, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में बेटे मूव करता हूं, क्लियर? ओके गाइस, तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटे बड़े सही हैं, इसलिए मैं सारे खुद ही करवा रहा हूं। देखो बेटे क्या कह रहा है, कहता है टू इनलेट पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 20 और 30 मिनट्स, लेटर इट वाज फाउंड दैट देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक। देखो बेटे अभी तक दो पहले क्वेश्चन थे एम्प्टी वाले, अब लीकेज वाला आ गया, लीकेज मेरी मर्जी से स्टार्ट नहीं होगी बेटे, लीकेज शुरू से स्टार्ट ही होगी बट मैं उसको अपनी मर्जी से रोक सकता हूं। कहते लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक एंड ड्यू टू लीकेज विद द बॉटम इनलेट पाइप्स आर ओपन, लीकेज विद बोथ इनलेट पाइप्स आर ओपन, इट टुक्स 15 मिनट्स टू फिल दैट टैंक। मैं दोबारा बेटे क्वेश्चन रीड करता हूं, कहता टू इनलेट पाइप्स थी कैन फिल द टैंक इन 25 और 30 मिनट्स, क्या हुआ, कहता लेटर इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक एंड ड्यू टू लीकेज विद बोथ इनलेट पाइप्स आर ओपनड, इट टुक 15 मिनट्स टू फिल द टैंक। अब देखो भाई क्या पता उनको एक्चुअल में कितना टाइम लगता, बट लीकेज के कारण उनको 15 मिनट टाइम लगा जब उन दोनों ने काम खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं, कहता हाउ लॉन्ग विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द फुल फिल्ड टैंक। देखो भाई सिंपल, अभी कुछ भी नहीं डाटा पता, तो पाइप वन जो फिलर है वो है 25 मिनट, पाइप टू है बच्चे वो है 30 मिनट, क्लियर बेटे? पाइप वन 25, पाइप टू बेटे 30 मिनट। ओके, तो सबसे पहले बेटे अभी देखो मुझे कुछ उसका पता ही नहीं है तो मैं क्या ही मूव करूंगा, बट एक लिखा हुआ उसने कुछ कि ड्यू टू लीकेज विद बोथ इनलेट पाइप्स ओपन इट टुक 15 मिनट्स टू फिल द टैंक। तो देखो बेटे हम ना पाइप थ्री कंसीडर कर लेते हैं कि कोई लीकेज वाली पाइप थी ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि पाइप वन, पाइप टू और पाइप थ्री, पाइप थ्री बेटे लीकेज वाली है, जब इन तीनों ने बेटे काम किया तो बेटे 15 मिनट में टैंक को फिल कर दिया गया था ठीक है। अब देखो भाई भाई कोई काम है जो पाइप वन 25 मिनट में, पाइप टू बेटे 30 मिनट में, बट तीनों मिलकर बेटे कितना टाइम लेते हैं भाई 15 मिनट लेते हैं। ऑब्वियसली बेटे मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, अगर पाइप थ्री बेटे लीकेज वाली ना होती ठीक है, जब पाइप थ्री को बेटे कंसिडर ही ना करते तो ऑब्वियसली बेटे पाइप वन और पाइप टू को इससे भी कम टाइम लगना था 15 मिनट से टैंक को फिल करने के लिए, क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी काम सेम है तो भाई एलसीएम लेंगे 25, 30 और 15 का बेटे एलसीएम, हरी अब 25, 15 और 30 का बेटे एलसीएम ठीक है बेटे, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू मी 150 बेटे होगा, क्लियर 150 होगा। अब देखो भाई 150 लेते हैं, यहाँ पे 150 आ गया इन यूनिट्स में बेटे, 150 आ गया इन यूनिट्स में। अब देखो भाई 150 डिवाइड बाय 25 तो बेटे क्या होगा भाई ये 6 ठीक है, 150 डिवाइड बाय 30 तो बेटे क्या होगा ये 5, 150 डिवाइड बाय 15 तो बेटे क्या होगा 10। कई बच्चे बेटे जल्दबाजी में ना अब उनको एक याद हुई होती चीज कि जहां पे एम्प्टी वाला कुछ कंडीशन आएगी तो उस एफिशिएंसी को मैं नेगेटिव लूंगा, नहीं बेटे इसमें देखो भाई ये जो 15 मिनट है
टैंक को फिल होने में बेटे लगे हैं 15 मिनट, ठीक है, ना कि बेटे खाली होने में 15 मिनट लगे हैं, क्लियर है। तो देखो भाई इस डाटा को भी मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा। एक चीज अब ध्यान रखना बेटे, अब आपका आंसर आने वाला है। उसने पूछा था आपसे कि पाइप थ्री जो लीकेज वाली है उसको कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने में, ठीक है। हमें पता इस साइड पे हम राइट साइड पे बेटे टाइम लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे बेटे क्या लिखते हैं, अपनी एफिशिएंसी लिखते हैं। अब देखो बेटे पाइप वन और पाइप टू तो मिलकर कितना काम बेटे कर सकती थी भाई, ये देखो सभी को दिख रहा है कि 11 काम होना था, बट पाइप वन पाइप टू पाइप थ्री ने सिर्फ कितना बेटे करा, 10 करा। इसका मीनिंग कि कुछ ना कुछ नेगेटिव काम हुआ। अब नेगेटिव काम किसने किया था बेटे, ऑब्वियसली लीकेज वाली पाइप ने नेगेटिव काम किया। तो मुझे पता लग गया कि पाइप वन तो पाइप टू तो भाई 11 था, बट तीनों का बेटे सिर्फ 10 आ रहा है। इसका मीनिंग कि पाइप थ्री बेटे कितना काम कर रही थी भाई, -1 काम बेटे कर रही थी। होप सो बेटे आपको पता लग गया होगा ये मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, पाइप वन और पाइप टू बेटे 11 काम कर सकते थे, देखो भाई, बट तीनों ने मिलकर सिर्फ 10 काम करा। इसका मीनिंग कि पाइप थ्री ने कुछ नेगेटिव काम करा होगा जिसका इंपैक्ट इन पे भी पड़ा होगा। तो इसीलिए बेटे पाइप थ्री का कितना काम होगा, -1 काम होगा। तभी तो देखो ना, +11 -1 तभी 10 आता है, ठीक है। मुझे पता है कि अगर वो एक मिनट में इतना काम करेगी नेगेटिव में तो काम करवाना कितना बेटे उससे, 150 करवाना है, एग्री करते हो। तो ऑब्वियसली अगर एक मिनट में एक काम करती है तो इतने मिनट में इतना काम करने के लिए बेटे कितने मिनट लेगी, गॉट इट बेटे, वेरी इजी, ठीक है। मैं अपनी ओर से बेटे पूरी राइट अप्रोच आपको बता रहा हूं कि ज्यादा बेटे आपको सोचना ना पड़े, सिंपल वे में बेटे अपने आप आंसर बेटे करते जाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बेटे नोट कर लेना, मैं अगले क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूं, गॉट इट। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे आते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न का ये। देखो बेटे 4 क्या बोल रहा है, कहता थ्री टैप्स ए बी सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। देखो भाई तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर किसी टैंक को 6 आवर में बेटे फिल कर दिया, ठीक है। हुआ क्या आगे, कहता आफ्टर 1 आवर सी इज क्लोज, मींस कि सी ने सिर्फ इन दोनों के साथ ए बी के साथ सिर्फ 1 आवर बेटे काम करा, उसके बाद बेटे सी को क्लोज कर दिया गया। कहता है द टैंक इज फिल्ड इन 8 more hours, मींस कि ए बी को बचा हुआ काम करने के लिए 8 आवर बेटे और लगे। उसने क्या पूछा, कहता फाइंड द टाइम इन विच सी अलोन कैन फिल द टैंक। कहता बताओ अगर अकेला सी होता तो उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता। तो अभी बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जिसमें क्या था भाई कि ए का पता था कि ए भाई 16 आवर में काम कर सकता कोई 16 डेज में। उसके बाद बेटे कोई बी आ रहा था 4 डेज के बाद, बट बच्चों को यही नहीं पता था कि सर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने उस वीडियो में भी बेटे आपको बताया था उस क्वेश्चन में भी कि इस केस में जब आपको कुछ भी डाटा साथ में नहीं दिया होता कि मैं एलसीएम लूं क्या करूं, तो वी कंसीडर टाइम को ही बेटे मैं क्या मान लेता हूं, अपना काम मान लेता हूं। मैं क्या काम मानूंगा कि भाई 6 यूनिट ही मेरा काम है। तो इससे बेटे साफ क्लियर हो गया कि अगर एबीसी 6 आर में 6 यूनिट काम करते हैं तो 1 आर में बेटे तीनों का काम कितना होगा बेटे, वेरी इजी, 1 काम होगा। एबीसी अगर 6 आर में 6 यूनिट काम करते हैं तो एफिशिएंसी बेटे 1 आर की कितनी होगी, उनकी 1 यूनिट। अब देखो एबीसी ने कितने आर मिलकर काम करा, एबीसी ने ओनली 1 आर काम करा, तो 1 आर का वर्क बेटे उनका कितना होगा भाई, सिर्फ बेटे 1 यूनिट ही होगा, 1 आर का वर्क 1 यूनिट। अब देखो बेटे रिमेनिंग वर्क देखो बेटे कितना बचा होगा भाई, टोटल था 6 में से 1 गया बेटे कितना भी, 5 यूनिट बचा हुआ है। अब देखो भाई ए लेफ्ट कर गया जो आपको, ठीक है, ए करके गया, कौन करके गया, सी बेटे कर गया, ठीक है। अब सी लेफ्ट कर गया तो उसके बाद ए बी को कितने आर लगे हैं, अभी ए बी को कहता अभी 8 आर लगे हैं, तो हमें पता लग गया कि ए बी का 8 आर का वर्क कितना भी, क्योंकि करना तो भी इतना ही था ना, 5 यूनिट। अगर ए बी 8 आर में 5 यूनिट काम करते हैं
तो एबी का बेटे 1 आर का वर्ग कितना होगा? एबी का 1 आर का बेटे वर्क होगा 5/8. गॉट इट बेटे? अब देखो एबी का 1 आर का वर्क 5/8 यूनिट है और एबीसी का 1 आर का वर्क बेटे 1 यूनिट है, तो वी इजिली फाइंड कि सी का 1 आर का वर्क कितना होगा. सी का 1 आर का बेटे वर्क जो होगा, आप टोटल वर्क में से एबी का माइनस कर दो बेटे 5/8, तो वी इजिली फाइंड कि सी का 1 आर का बेटे वर्क कितना होने वाला है, 3/8 यूनिट. और हमें पता लग गया कि सी 1 आर में 3/8 यूनिट काम करता है. और वो ये बोलता है, कहता बताओ सी को कितना टाइम लगेगा अगर उसने अकेले ने कितना काम करना हो, 6 यूनिट काम करना हो. तो हमें पता है कि टोटल काम 6 है बट उसका पर आर का काम बेटे कितना है, 3/8 है. ठीक है, तो 3 के टेबल पे 6 बेटे कब आया, 2 पे. 8 बेटे ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास कितना टाइम आ जाएगा बेटे, वेरी इजी बेटे. तो मुझे पता लग गया कि सी बेटे काम कितने टाइम में बेटे खत्म कर लेगा, 16 आर में अकेले बेटे खत्म कर लेगा. क्लियर बेटे? नहीं पता लगेगा बेटे, रिवाइंड करके दोबारा बेटे देखना, मैंने बड़े इजी फॉर्म में बेटे आपको बताया. क्लियर? वीडियो को पॉज करके बेटे दोबारा देख लेना, दोबारा समझ लेना. अगर फिर भी बेटे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मुझे बेटे ग्रुप में मैसेज कर दे. क्लियर बेटे? तो आप बेटे इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं अपने अगले क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ. क्लियर बेटे? ओके. ओके बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन पे बेटे जाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटे क्या है. देखो बेटे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है. टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 16 मिनट रिस्पेक्टिवली. इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक फिल्स इन 9 मिनट. ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन बड़ा सही है. ये दोबारा पढ़ता हूं कि टू पाइप्स ए एंड बी दोनों बेटे फिलर पाइप हैं. मैं लिखता जाता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. देखो भी कोई पाइप ए है और एक पाइप बी है, दोनों बेटे फिलर पाइप है. ठीक है, पाइप ए बेटे 12 मिनट में डाटा को फिल करती है और पाइप बी बेटे 16 मिनट में. अब देखो भी काम ढूंढ लेते हैं कितना होगा भाई, 16 12 बेटे 48 और इसका काम बेटे 4 और इसका भाई कितना भी 3. इतना काम तो बेटे कर लो. आगे देखो, कहते हैं बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक फिल्स इन 9 मिनट. अब देखो भी इसमें क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कहता क्या है, कहता भाई बताओ बी को कितने मिनट बाद क्लोज कर दिया गया और टैंक फिल होने में कितना टाइम लगा, टोटल 9 मिनट लगा. और उसने ये भी बोला था बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली. इससे बेटे पता लगता है कि भाई बंदे तो दो ही थे ना, एक ए था एक बी था. ठीक है, बी को क्लोज करने की बात कर रहा है, इसका मीनिंग कि टोटल अगर 9 मिनट जो भी लिखा हुआ है 9 मिनट बेटे वर्क हुआ है, इसका मीनिंग कि ए ने तो भाई 9 के 9 मिनट ही काम करा है ना, ए ने तो पूरा 9 मिनट ही काम करा है. तो देखो मैं इजिली फाइंड कर लूंगा, बच्चा पता नहीं क्या क्या सोचता बेटे. तो हमें पता कि टोटल काम खत्म होने में 9 मिनट बेटे लगे हैं और बेटे ए ने तो पूरे का पूरा टाइम काम करा है. तो हम सिंपल देख लेते हैं कि ए का 1 मिनट का जो वर्क है, ए का जो 1 मिनट का वर्क है वो 4 यूनिट है बेटे. तो बेटे ए ने तो 9 के 9 मिनट ही काम करा होगा, तो ए का 9 मिनट का बेटे कितना वर्क हो जाएगा, ए ने भाई 4 × 9 बच्चे कितना होगा भाई, 36 यूनिट तो भाई अकेले ए ने काम करा है. वेरी इजी, 36 यूनिट तो आउट ऑफ 48 ए ने ही काम करा था. अब जो बचा हुआ काम था, रिमेनिंग काम देख लेते हैं जो सिर्फ बेटे किसने करा. ठीक है, रिमेनिंग काम देखो टोटल 48 है, ए ने बेटे टोटल 48 में से सिर्फ 36 ही काम करा. ठीक है, अब देखो रिमेनिंग जो वर्क है, ठीक है, वो कितना बेटे देख लेते हैं. टोटल है बेटे
12, 16, 48 सही लिया मैंने बेटे, एक का एक मिनट का 4 यूनिट है, एक का बेटे 9 मिनट का कितना आ जाएगा 4 9 का 36, ए ने टोटल कितने मिनट काम करा, हाँ 9 मिनट काम करा, ठीक है एक रिमेनिंग। हाँ अब देखो भी रिमेनिंग काम बेटे कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क देखते हैं, 48 में से 36 बेटे माइनस कर दो कितना काम बचा बेटे, 12 यूनिट काम बचा, ठीक है। अब इसे 12 यूनिट जो काम था, ये 12 यूनिट काम किसने करा बेटे, बी ने करा हुआ था, ठीक है, जितने मिनट भी करा होगा बी ने करा होगा, ठीक है। तो मैं इजिली बेटे देख लूंगा, इजिली देख लूंगा, मैं इजिली बेटे देख लूंगा कि भाई बी को ये 12 यूनिट काम करने के लिए बेटे कितना टाइम लगा होगा, कितने मिनट, देखो अभी 4 मिनट। इससे बेटे साफ क्लियर हो गया कि देखो स्टार्टिंग बेटे आप कहीं से भी कर सकते हो, बच्चा क्या करता है 4+3 इंटू एक्स कर लेता है कि सर उतने मिनट करा होगा, प्लस फिर ए का काम इंटू 9 माइनस एक्स इक्वल टू 48 करता है, बेटे एक्स को अवॉइड करो, क्लियर है। तो सिंपल डाटा को सोचो कि भाई उसने बोला था कि भाई ए बी ने काम तो इकट्ठे शुरू किया था, बट कुछ टाइम बाद बी छोड़ के चला गया था, बट टोटल काम खत्म होने पे 9 मिनट लगे बेटे, क्लियर है। तो इसका मीनिंग है कि बी काम छोड़ के चला गया 9 के 9 मिनट, ए ने तो काम करा ही करा है ना, ठीक है। तो हम देख लेंगे ए अगर 1 मिनट में 4 काम करता है तो 9 मिनट में बेटे कितना कर देगा, आउट ऑफ 48 36 काम तो बेटे ए ने करा, ठीक है। जिसको मैं रिमेनिंग वर्क बोल रहा हूँ ना, वो काम किसने करा है, कहने का मतलब कि 48 में से 36 तो बेटे ए ने कर लिया, अब जो ये 12 काम था ना ये किसने करा होगा बेटे, ऑब्वियसली बी ने करा होगा। बी अगर 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है तो 12 काम करने के लिए बेटे कितना टाइम लेगा, बी ऑब्वियसली 4 मिनट बेटे लेगा, क्लियर है। इसको बेटे नोट कर लो, पॉज करके मैं आगे बेटे मूव करता हूं। ओके बेटे, बेटा वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, मैं आगे बेटे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहते हैं टू पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, द रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 6 आवर। कोई दो पाइप है भाई, उसको ओपन करा गया, मैं लिखता जाता हूं यहां पे, हमें नहीं पता पाइप 1 एंड पाइप 2 मिलकर किसी काम को 6 आवर में बेटे फिल कर सकते थे, ठीक है। अब देखो कहता वन पाइप फिल रिजर्वायर 5 मिनट 5 आर फास्टर देन अदर। अब देखो भी इसका मीनिंग क्या है कि पाइप 1 आप अगर एज्यूम करते हो एक्स आर, मैं समझाने के लिए बेटे लिख रहा हूं, ऐसे अपने एग्जाम में नहीं बेटे अपने करना, आपको बताऊंगा अपने एग्जाम में कैसे करना। अगर पाइप 1 एक्स आर में बेटे डाटा को फिल करती है तो पाइप 2, लेट्स सपोज कि अगर ये फास्टर वाली पाइप थी तो बेटे स्लोवर वाली पाइप को तो 5 आर और लगेंगे काम को करने के लिए, क्लियर। अब देखो भाई फंस गए, एलसीएम क्या लें क्या ना करें, ठीक है, ये तो एक्स और एक्स प्लस 5 हो गया, बट अब मेरे पास इसका कंक्लूजन है क्या करेंगे जब भी बेटे ऐसा डाटा आ जाए, ठीक है, जब जिसमें हम एलसीएम लेंगे। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, मैं चाहूँ तो बेटे बता सकता हूँ, बट हम बेटे पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा। इसको बेटे आप क्या करते हो, आपने बेटे क्या करना है, अपनी ऑप्शंस लेके आनी सारी की सारी, आपने बेटे अपनी ऑप्शंस बेटे इसमें फिल करके देखनी है किसी तरीके से। बेटे आपने ये डाटा फिल करके आपको पता होना चाहिए कि पाइप 1 और पाइप 2 का अगर मेरा आंसर 6 आर बन गया, ठीक है, तो भाई वही ऑप्शन मेरी क्या होगी, मेरा आंसर होगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा उसने कि स्लोवर का पूछा कि फास्टर का, कहता हाउ मच टाइम डज द फास्टर पाइप टेक्स टू फिल इन द रिजर्वायर। ओके भाई अब देखो भी नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं, 15 20 10 और 40। देखो भाई चारों की ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो बेटे इसको सेटिस्फाइड करेगी, आपने इस पे बेटे फिल करके ऑटोमेटिक ये बनती जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर बेटे मैं इसकी ऑप्शन फिल करता हूं क्योंकि मुझे आंसर बेटे पता है, मैं सी ऑप्शन फिल करूंगा, क्लियर। अगर भाई लेट्स सपोज x होता 10
तो P2 बेटे obviously बेटे 10 plus 5 बेटे how much? 15, got it? अब देखो भी pipe 1 tank को 10 hour में fill करती है और pipe 2 को 15 hour में fill करती है, ठीक है? तो देखना भी बेटे, pipe 1 10, pipe 2 15, LCM बेटे 30, इसका काम 3 और इसका काम बेटे क्या 2? ये वही class 1 का सबसे easy question जो starting में मैंने बताया था, ठीक है? तो pipe 1 प्लस पाइप 2 का मिलकर 1 आर का वर्क बेटे कितना हो जाएगा भाई 5 करवाना कितना था 30 तो कितना टाइम बेटे लगा होगा अगर इसको तो मेरा ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया मेरे डाटा को ठीक है तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि भाई x और x प्लस 5 को आपको समझाने के लिए बेटे मैंने लिखा था उनका एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना क्लियर डायरेक्टली बेटे ऑप्शन रख के अपने आंसर को बेटे वैल्यू पुट करके आंसर बता क्लियर तो यहां तक था बेटे आपका जो टाइम एंड वर्क पार्ट 2 का पाइप एंड सिस्टम टॉपिक था होम एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है बेटे खुद अपने बिहाफ पे ट्राई करना अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप बेटे कर देना क्लियर तो अब हम बेटे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज ही मेरी क्लास का टॉपिक है जिसको हम बेटे चेन रूल बोलते हैं और बेटे फेमस है एमडीएच ठीक है अभी आपको सारा बताऊंगा ओके गाइस तो यहां तक था आपका पाइप एंड सिस्टम ठीक है अब देखो भाई जो नया कांसेप्ट है वो हम करेंगे चेन रूल ठीक है चेन रूल में भी सबसे पहले हम बड़े इजी वाला कांसेप्ट होता है एमडीएच मसाले के नाम सब उसको याद रख सकते हो मैं लिख देता हूं यहां पे हमने डाटा को बेटे बैलेंस करना होता है जैसे कि m1 D1 H1 divide by W1 equals to M2 D2 H2 upon W2. Got it? ठीक है? अब देखो भाई ये M1 M2 क्या है? D1 D2 क्या है? H1 H2 W W2 क्या है? जो M है एक बटे क्या हो सकता है कि आपको बोला जा सकता है कि number of men's वुमेन और मशीन की भी बात कर सकता है और बेटे बर्ड की भी बात कर सकता है कुछ भी बेटे लिख सकता है आपको कुछ भी बोल सकता है तो भाई मैंने m को बोल दिया कि m क्या होगा नंबर ऑफ मेंस वुमेन मशीन बर्ड एंड एनिमल d भाई क्या है नंबर ऑफ डेज और h बेटे क्या है नंबर ऑफ आवर्स Got it? और W बेटे क्या है? जो भी उनका कोई काम है. Mostly cases में बेटे W1 और W2 आपस में क्या होते हैं? Equally होते हैं. जैसे question में वो क्या बोलता है? Easy question होते हैं. वो आपको ये कह देगा कि कोई ये काम था. उसको 13 men's ने 2 days में daily 4 hour work करके किया. और दूसरी side पे आपको बोलेगा कि अगर सेम काम तो कहने का मतलब कि w1 w2 तो क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए वो बोलेगा इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल क्या करेगा मिस कर देगा इसमें मैं एक और चीज बेटे ऐड करता हूं क्या करता हूं कि जरूरी नहीं है कि लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 4 ही इसके वेरिएबल है और 4 ही इसके वेरिएबल है जरूरी नहीं है कि मुझे भी हर बार 4 देखे जाएगा और इनमें से 3 देखे जाएगा और एक मैंने फाइंड करना होगा लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसमें सिर्फ M1 और D1 देखे गया और इन में से सिर्फ मुझे M2 और D2 में से कोई एक वेरिएबल मिस कर देगा तो तभी बेटे मैं क्या कर सकता हूं बैलेंस करके अपने क्वेश्चन को कर सकता हूं कंडीशन ये होगी कि वर्क क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर नहीं भी सेम है तो उसने अगर बोला होगा कि जितना इन्होंने काम किया उसका हाफ इन्होंने किया तो आप इसको 1 लिख के इसको 1/2 लिखना जैसे हम हाफ को लिखते हैं अब देखो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखो अपनी वर्कशीट का क्लास एक्सरसाइज का बड़े इससे क्वेश्चन एक लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 ही बेटे देखो 7 क्वेश्चन क्या ठीक है क्या बोल रहा 7 क्वेश्चन में कहता 50 हैं लेस 80x इन 100 डेज देखो भाई अब मेन की जगह बेटे वो क्या बोल बर्ड वगैरह की बात कर रहा है तो मैं सिंपल ये फार्मूला यूज करूंगा कि भी 50 हैं ने अब देखो भाई जो 80x है 80x उनका बेटे क्या है उनका वर्क है ठीक है ध्यान रखना बेटे गलती मत करना 80x उनका वर्क है अब देखो 50 हैं ने
80x 100 डेज में बेटे, ठीक है, डेज मुझे पता है। अब इसमें देखो बेटे, हमें आर्स के बारे में कुछ कंडीशन पता ही नहीं है, तो मैंने ये नहीं देखना कि मुझे आर्स नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा, वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी एक्स, उसने भाई ये पूछा, W2 पूछा हुआ था, मैं इसको लिख देता हूं W2, ठीक है। हाउ मेनी एक्स विल बी लेड बाय 75 हेंस इन 75 डेज, तो 75 हेन 75 डेज बेटे। अब देखो भी जो कटिंग होती बेटे, कटिंग कर दो 25 के टेबल पे, ये बेटे 3 पे, ये बच्चे 4 पे, 25 के टेबल पे ये बेटे 3 पे और ये किस पे बच्चे 2 पे, एग्री। अब देखो 4 2 का 8, तो ये बेटे किस पे चला गया, 10 पे चला गया, तो W2 को यहां पे ले आते हैं, इस 10 को बेटे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भी 90। तो W2 बेटे क्या था, वो एग की बेटे बात कर रहा था, तो मुझे पता लग गया कि भाई वो कितने एक्स होंगे, 90 बेटे एक्स होंगे, वेरी इजी बेटे, ठीक है। अब देखो भाई कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि भाई इजी क्वेश्चन कभी आता नहीं है, मैटर करता है कि आप कौन से एग्जाम में पेयर होने जा रहे हो, क्लियर। अब देखो इसी में, इसी टाइप में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन से हैं आपको बताता हूं, अपने वर्कशीट का बेटे क्वेश्चन नंबर देखो, जो एक्चुअली बेटे एग्जाम में बनते हैं। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो बेटे, मैं दोनों बताता हूं आपको। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखना, इसको बेटे पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बेटे आपको बताता हूं, क्लियर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को बेटे, काफी बार बेटे मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए। देखो 10th क्वेश्चन क्या है, कहता है कैंप कैन सर्व 120 सोल्जर्स फॉर हाउ मेनी डेज बेटे, 50 डेज लिखा हुआ था। देखो भाई एक कैंप है, उसमें सोल्जर 120 को 50 डेज के लिए सर्व किया जा सकता था, 120 को 50 डेज के लिए। मुझे पता लग गया कि टोटल भाई कोई काम इतना है, जो भी वो एफिशिएंसी आप ये मान सकते हो, वो फूड की बात भी कर सकते हैं या अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज की भी बात कर सकते हैं, मीन टोटल जो था वो 120 इंटू 50 ही था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कहता फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल ऑल द सोल्जर्स बी सर्व्ड इफ आफ्टर 10 डेज 60 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप। देखो भाई कहता कितने दिन सोल्जर और सर्विस ले पाएंगे अगर 10 दिन बाद 60 न्यू सोल्जर्स ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब देखो भाई मैंने डाटा को बेटे बैलेंस करना है, क्वेश्चन नंबर बेटे मैं आपको 10 बता रहा हूं, टोटल आपके पास फैसिलिटीज बेटे ये है 120 इंटू 50 की, बट हुआ क्या 120 इंटू 10 डेज तक ही सिर्फ रहे बेटे, ये डाटा सिर्फ यहां तक ही रहा, उसके बाद अब 120 में 60 और नए आ गए हैं, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे 120 इंटू 60, बट हमें नहीं पता भाई कितने दिन और चलेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया एक्स डेज बेटे लिख दिया, ठीक है। अगर बेटे 60 ना और आते तो मुझे पता था कि 120 को टोटल 50 डेज के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, 10 डेज तो हो चुके थे तो 40 डेज और मिलनी थी, बट इन लोगों के नए लोगों के अंदर आने से ज्वाइन करने से तो ऑब्वियसली बेटे डेज तो 40 से तो कम ही होंगे ना, ठीक है। तो मैंने किसी तरीके से डाटा को बेटे क्या करना है, बैलेंस बेटे करना है, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई बेटे बिल्कुल नहीं करना, देखो 120 इंटू 50 है, ये 120 इंटू 10 है, इसको बेटे उठा के यहां पे ले आएंगे, 120 कॉमन कर दो, 50 माइनस क्या हो जाएगा बेटे 10, एग्री, इक्वल्स टू 120 प्लस 60 बन रहा था 180 इंटू बच्चे क्या एक्स। अब देखो 120 इंटू 50 माइनस 10 40 डिवाइड बाय बच्चे क्या 180 इक्वल्स टू क्या बच्चे एक्स। अब देखो कटिंग कर दो जितना भी होता भी, ठीक है, 60 के टेबल पे ये 2 पे और ये बेटे किस पे भाई 3 पे भाई। अब देखो भाई 40 इंटू 2 कितना होता है भी 80, तो 80 बाय 3 डेज और सर्विस बेटे उनको मिलेगी। आप हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में फ्रैक्शन दे रखा के मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखो हाँ डी ऑप्शन दे रखा है, उसमें सिंपल बेटे क्या लिखा हुआ फ्रैक्शन में दे रखा हुआ है कि भाई जो बाकी 60 बंदे और आ गए थे, अब टोटल 180 बंदा हो चुका हुआ था, अब इनको 40 डेज और नहीं मिलना था, इनको बेटे कितने दिन सर्विस मिली सिर्फ 80 बाय 3 डेज बेटे इनको सर्विस मिली बेटे, क्लियर बेटे। सिर्फ इस क्वेश्चन में बैलेंस करना था बेटे इन क्वेश्चंस में, क्लियर। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना बेटे, ठीक है, मैं आगे बेटे मूव करता हूं।
ओके गाइस, तो वीडियो को पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना, मैं आपके अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटे। ओके ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटे, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन बड़ा सही है। क्या बोला उसने, कहता टू कंप्लीट अ टास्क इन 45 डेज। लेट्स सपोज कि किसी को काम मिला था, अभी 45 डेज में तूने फिनिश करना है। अब देखो, कहता अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 45 पीपल, इट डजंट मीन कि 45 पीपल 45 डेज में टास्क डेफिनेटली खत्म करेंगे। उसने क्या करा, उसने काम को स्टार्ट करने के लिए 45 पीपल एम्प्लॉय कर दिए बेटे। क्लियर? आगे देखो, कहता अपॉन रिव्यूइंग द वर्क आफ्टर 30 डेज। अब क्वेश्चन बेटे स्टार्ट होता है, काफी बच्चे बेटे गलती करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि 45 × 45 मेरा टोटल वर्क है, वो बेटे इसी को टोटल वर्क मान लेते हैं कि जो कि बेटे सरासर क्या है, गलत है बेटे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, कहता है एक टास्क है जो नो डाउट 45 डेज में फिनिश करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा है कि 45 पीपल को एम्प्लॉय कर दिया हुआ है। इट डजंट मीन कि 45 पीपल 45 डेज में उस टास्क को डेफिनेट वे में खत्म कर सकते थे। आगे देखो उसका क्वेश्चन क्या है, कहता कि 45 पीपल को 30 डेज काम करते हो गया हुआ था, 45 को 30 डेज काम करते हो गया हुआ था, जब देखा गया अपॉन रिव्यूइंग द वर्क आफ्टर 30 डेज तो क्या पता चला, ही नोटिस दैट ओनली द हाफ द टास्क इज कंप्लीटेड। अब देखो क्वेश्चन क्या, 45 को 30 डेज काम करते हो गया हुआ था और पता चला कि जो भी वर्क था उसका सिर्फ बेटे कितना हो पाया, सिर्फ वर्क का सिर्फ हाफ ही काम हो पाया। देखो भाई, अगर हाफ काम ये है, देखो अगर हाफ काम, किसी भी काम का हाफ काम अगर ये है तो इतना काम अभी और पड़ा होगा बेटे। देखो रिमेनिंग वर्क जो पड़ा हुआ था वो बेटे कितना होगा, वो भी इतना होगा। फिर अगर इतना काम खत्म हो चुका हुआ था, वो कह रहा है कि उस काम का हाफ था, तो इसका मीनिंग इतने काम अभी और करने वाला। क्लियर है? अब देखो पेंडिंग वर्क था 45 × 30। अब देखो भी ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, वो कहता है कि टास्क को डेडलाइन है कि 45 डेज के इन बिटवीन ही खत्म करना है। तो देखो भाई 30 डेज तो बीत चुके हुए हैं, अगर तो वो भाई अब इतना काम करना है, अगर वो 45 बंदों को, अब देखो भी अगर 15 दिन बचे हैं तो इतना काम तो खत्म कर ही नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसको बेटे मैन पावर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, दिन तो भाई उसके पास 15 ही है जो उसके पास बचे हुए हैं, अब ऑब्वियसली उसको 45 में कुछ एक्स्ट्रा मैन बेटे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है? काम इतना था बचा हुआ, 45 मैन में उसने कुछ और बंदे ऐड करे जिन्होंने 15 डेज में क्या करा बेटे, इतना काम खत्म कर दिया। अब मैंने बेटे इसी की वैल्यू ढूंढनी थी, सिंपल देखो 15 कट करो बेटे किस पे चला गया, ये 2 पे, 45 × 2 बेटे कितना होता है, 90 = 45 + x, x को बेटे यहीं पे रहने दो, 90 − 45 करोगे बेटे क्या बन गया, 45। तो मुझे पता लग गया उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन था इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन ऑफ 45 डेज हाउ मेनी मोर पीपल मस्ट एम्प्लॉय नाउ। तो मोर पीपल तो बेटे हमारे x ही पुट किया था, तो x की वैल्यू बेटे क्या हो गई, 45। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, मोस्टली बच्चे बेटे यहीं पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, दोबारा बेटे बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या था, कोई काम था वो 45 डेज में खत्म करना था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने बेटे क्या करा, 45 बंदों को एम्प्लॉय कर दिया। ठीक है, जब उसने 30 डेज बाद आया, 45 बंदों को 30 डेज काम करते हो गया हुआ था, पता चला कि जो भी काम था उसका सिर्फ हाफ काम हुआ हुआ था, मींस कि इतना काम खत्म हो गया, अभी इतना ही काम बेटे पड़ा हुआ है, कहने का मतलब 45 × 30। अब भाई दिन तो बचे उसके पास 15, अगर 45 बंदे काम करेंगे वो तो काम हो ही नहीं पाना, क्योंकि डेडलाइन पे खत्म करना है, तो उसको बेटे क्या करना पड़ा, इतना काम करने के लिए डेज उसके पास सिर्फ 15 ही थे, उसने 45 में कुछ बंदे और ऐड कर दिए कि मेरा काम इन बिटवीन जो 45 डेडलाइन है उसमें मैंने खत्म करना है। तो वी इजिली फाइंड बेटे ये क्या हो गया मेरे पास, 45 बेटे आ गया आंसर, जो उसको एक्स्ट्रा बेटे मैन की हेल्प लगी थी बेटे। क्लियर है? होप सो बेटे आपको ये पता लग गया होगा मैंने क्या पढ़ाया।
आप वीडियो को बेटे पोस्ट करके नोट कर लेना, नहीं पता लगा तो बेटे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा बेटे बता दूंगा। क्लियर? तो अब बेटे हम प्रॉपर चेन रूल वाला कंसेप्ट करते हैं, जिसमें बेटे बड़े अच्छे वैरायटी वाले क्वेश्चन है वो बेटे डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लो। ओके गाइस, तो अब आपने ध्यान रखना है कि मैं दो स्टेटमेंट बेटे लिखूंगा, आपने उनको बेटे ध्यान से समझना है, उसमें छोटी छोटी बातें बेटे आपको बतानी मैंने, वो समझना क्या लिखते जाओ साथ साथ। अगर बेटे ऐसा लिखा हो 10 men and 15 women can complete a piece of work in 5 days, अगर ऐसा लिखा हो, जहां बेटे ऐसा लिखा हो 10 men और 15 women can complete a piece of work in 5 days। ध्यान से बेटे समझना ये दोनों क्या है। पहला बेटे है कि 10 men and बेटे मैंने लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में सर बेटे मैंने क्या लिखा, चेंज किया, एक और लिखा था। बड़े बेसिक है, सभी को बेटे पता, इतनी इंग्लिश सभी को आती होती है। अब देखो भाई, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी कोई काम है उसको 10 men and 15 women मींस के दोनों मिलकर बेटे, कहने का मतलब जो भी वर्क है, जो भी वर्क है वो किसके इक्वल है बेटे, 10 men, जब एंड आएगा बेटे तो प्लस 15 वुमेन, जो कितने दिन में खत्म कर सकते हैं बेटे, 5 days में। इसका मीनिंग बेटे ये है। अगर बेटे और लिखा हो तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि 10 men भी किसी काम को 5 दिन में, जो भी कोई वर्क था, और अगर वुमेन लगती हैं तो 15 वुमेन भी कितना टाइम लेंगी बेटे, 5 दिन लेंगे। तो कहने का मतलब कि जो आपका वर्क है वो ये भी है और ये भी है। इस केस में बेटे जो आपका वर्क है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों मिलकर, और का मतलब बेटे या तो ये या बेटे ये, ठीक है। अगर 10 बंदे लगेंगे उनको भी 5 दिन लगेंगे, बट उतने काम करने के लिए 15 वुमन को भी कितने लगेंगे बेटे, 5 days ही लगेंगे। क्लियर? इसको पोस्ट करके बेटे लिख लेना, मैं क्वेश्चन आपको एक आधा बेटे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बाकी बेटे आप खुद करना अपने बेटे। क्लियर? अब बेटे मैं देखता हूँ, आप इसको नोट करो, तब तक मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। ओके बेटे, बेटे क्वेश्चन नंबर 14 बेटे करते हैं, एक क्वेश्चन बेटे कराऊंगा, सारे के सारे सेम ही है, तो आप बेटे देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना बेटे। इसको बेटे पॉज करके नोट कर लेना, अगर आपने नहीं करा होगा, मैं आपको 14 क्वेश्चन बेटे बताता हूं, ठीक। देखो बेटे 14 क्वेश्चन क्या है, कहता 30 men can do the work in 50 days। साफ साफ बेटे बोल गया 30 men कोई काम 50 days में कर सकते थे, वर्क मैं लिख देता हूं। आगे देखो बेटे क्या है, वेयर एज 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 25 days, और सेम वर्क 40 वुमेन 25 days में बेटे कर सकती हैं। क्लियर? जो लिखा बेटे मैंने वही लिख लिया यहां पे, ठीक है। कहता हाउ मेनी डेज 15 men, कहता यही सेम काम 15 men, और बेटे एंड है, अब प्लस करूंगा 15 वुमेन, इनको कितना टाइम लगेगा, हमें नहीं बेटे पता कितना टाइम लगेगा, एक्स ले लिया। अब इक्वल्स टू बेटे सेम ही वर्क, बेटे चाहे आप इसके साथ इक्वेट कर लो, चाहे आप बेटे इसके साथ इक्वेट कर लो, कोई बेटे चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। कोई बिठा लो बेटे, हम ये ले लेते हैं 40 वुमेन इंटू 25। एग्री बेटे? क्लियर? सिंपल, मैंने डाटा को बेटे इक्वेट करना है। अब मैंने बेटे एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। देखो भाई, यहाँ पे एम है और डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू, बेटे मैं कटिंग तो कर नहीं सकता,
किसी तरीके से बेटे मुझे एम को भी किसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, डब्ल्यू के फॉर्म में। मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है बेटे वो लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले बेटे बोथ आर इक्वल, देखो बोथ आर इक्वल, तो बेटे इसमें ही आप एम और डब्ल्यू में रिलेशन फाइंड कर लो क्या, ठीक है। अब देखो भाई जीरो से बेटे जीरो, ओके फाइव के टेबल पे ये वन पे बेटे, ये किस पे, फाइव पे, फाइव के टेबल पे ये बेटे वन पे, और ये किस पे बेटे, सिक्स पे। तो मेरे पास लास्ट में रिजल्ट आया सिक्स मैन इक्वल्स टू बेटे देखो कितना, फोर डब्ल्यू बेटे, सिक्स मैन इक्वल्स टू फोर डब्ल्यू है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ये टू और ये बेटे क्या, अभी फर्दर ये भी तो कटिंग हो ही सकती, ठीक है। अब देखो भाई थ्री एम इक्वल्स टू टू डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, देखो भाई मुझे W के फॉर्म में चाहिए, अगर यहां पे W तो मुझे किसी तरीके से इस M को भी किसके फॉर्म में चेंज करना है बेटे, W के फॉर्म में। बच्चा क्या करता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता है, इसको बेटे किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15M बेटे किसके इक्वल आ गया भी, 10W के, देखो भी 15 मैन किसके इक्वलेंट है बेटे, 10 वुमेन के बेटे इक्वलेंट है। तो जहां पे बेटे 15M है वहां पे मैं क्या फिल कर दूंगा, 10W फिल कर दूंगा। देखो 10W प्लस 15W इंटू एक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बेटे लास्ट में करना इंटू डब्ल्यू। अब देखो 10 प्लस 15 25W इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 इंटू 25W। देखो बेटे 25W 25W कट, तो मेरे पास x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 40। तो यही तो बेटे मेरे से उसने पूछा था कि अगर 15 मैन एंड 15 वुमेन मिलकर काम करें तो उतना ही काम बेटे, चाहे ये ले लेते चाहे ये ले लेते बेटे, कोई इशू नहीं था। तो मैंने इक्वेट ही बेटे करना, ठीक है। एक तो बेटे होगा कि बच्चा सीधे डायरेक्ट बेटे m की वैल्यू फिल करके इसको करेगा। दूसरी बेटे अप्रोच क्या आती है जो मुझे बेटे इजी लगती है, वो क्या होती है, आप इसको बेटे नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं बेटे आगे मूव करता हूं, इसको बेटे नोट कर लेना, मैं आगे बेटे मूव करता हूं, लिख लो जल्दी से लिख लो। मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं कि आपको इतना भी नहीं बेटे करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेटे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको लिख लो बेटे जल्दी से, ठीक है। जिनका बेटे नहीं लिखा गया वीडियो पॉज करके बेटे इसको लिख लेना। मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं, देखो भी देखो भाई, इतना तो लिखना ही पड़ेगा जो लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बेटे आपको पता होना चाहिए कि 3m equals to 2w, ये भी आपको बेटे पता होना चाहिए, क्लियर। अब देखो मैंने फाइंड क्या करना था कि भाई 15 वुमेन प्लस 15 मेन को कितना टाइम लगेगा कि इनमें से कोई भी डालो। अब बेटे ये ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, 30 मेन इक्वल्स टू 50, एग्री करते हो। देखो भाई इसमें तो भाई देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप 5 से मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा था, आपने यहाँ पे फिल करके अपना आंसर बता दिया था। इन केस देखो बेटे जितना कंपटीशन है, ठीक है, वो कभी भी आपको इजी वैल्यू नहीं देगा कि जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका डायरेक्ट बेटे बन जाए, आप इसमें फिल करो आप आगे मूव ऑन करो, ठीक है। वो हमेशा बेटे आपको इसको 11 इसको 13 कर देगा कि जो किसी के टेबल में आएंगे नहीं। अब देखो जब बेटे ऐसा कुछ हो जाए कि आपको लगे कि हाँ भी कुछ करने से भी नहीं बन रहा, फिर बेटे आपने सिंपल क्या करना है, देखो भाई 3m equals to 2w, मुझे पता लग गया m upon w equals to बेटे क्या 2 by 3, देख लो m upon w equals to 2 by 3। जहां पे बेटे m है वहां पे बेटे आपने क्या फिल करना है 2, जहां पे w वहां पे बेटे आपने क्या फिल करना है 3 बेटे फिल करना है, इजी, कुछ भी हो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 15 into w की जगह बेटे 3 प्लस 15 इंटू एम की जगह बेटे 2 इंटू बच्चे x इक्वल्स टू 30 इंटू एम बेटे 2 था इंटू बच्चे 50। अब देखो 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 2 30 इंटू बच्चे x, 30 इंटू 2 इंटू बच्चे 50। x को बेटे यहीं पर रखो, 30 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 45 इंटू 30 सॉरी प्लस 75 बेटे। देखो 25 के टेबल पे ये गया 2 पे, ये बच्चे किस पे गया 3 पे गया, 3 के टेबल पे 30 बेटे कब आता है 10 पे आता है। अब बेटे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 का 4, 4 इंटू 10 बेटे कितना
देखो बेटे वो भी आ गया, ठीक है। ये बेटे मैंने इसीलिए आपको बताया कि इन केस आपका कुछ मल्टीप्लाई कर करके ना बनता हो, ठीक है। तो आपने बेटा डायरेक्ट यही वैल्यू अगर फिल करोगे इक्वेशन में तो आपको बेटे इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा बेटे, क्लियर है। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफी है, मैंने अपनी ओर से पूरी बेटे कोशिश करी है कि टाइम एंड वर्क पार्ट टू में आपको सारा कुछ मैं बताऊं। अब आपने करना क्या बेटे, आपने इस शीट की जो होम एक्सरसाइज है ठीक है उसको बेटे खुद ट्राई करना है। कोई भी डाउट होगा बेटे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी ऑलरेडी एडेड हो, ठीक है, आप उसमें बेटे बता सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बेटे फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।